बुलेटिन की। सीएम शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण संकल्प के आज पूरे 2 साल पूर्ण हो चुके हैं और इस मौके पर आज सीएम शिवराज अपनी कैबिनेट के सदस्यों के साथ पौधारोपण करेंगे। बता दें प्रदेश के अलग अलग जिला स्तर पर भी पौधारोपण का कार्यक्रम होगा। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट के साथियों के साथ पौधारोपण करेंगे। सीएम हाउस में सभी मंत्रियों से चर्चा करेंगे, विकास यात्रा को लेकर मंत्रियों से फीडबैक लेंगे। सीएम ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं, सुबह से रात 9 बजे तक रुकने के निर्देश दिए गए। हम रुक करेंगे संवाददाता सूरज शर्मा का, इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, क्या जानकारी, आज सीएम हाउस में बैठक भी होगी, मंत्रियों से भी मिलेंगे और आज पूरे 2 साल का एक तरह से हम कहें समय पूर्ण हुआ है जब मुख्यमंत्री ने एक बड़ा जनहितैषी संकल्प लिया था पौधारोपण का। बिल्कुल दीपक, 19 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया था और तब से ही प्रतिदिन पौधा लगाया जा रहा है। पिछले 2 साल की बात करें तो करीब 2140 पौधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में दौरों के दौरान भी करीब 40 से 50 पौधे अन्य राज्यों में भी लगाए गए हैं। यही कारण है कि संकल्प के 2 साल पूरे होने पर आज पूरे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करेंगे। उसके बाद दिन भर मुख्यमंत्री निवास पर बैठकों का दौर शुरू होगा जिसमें खासतौर से विकास यात्राओं को लेकर निकाली जा रही यात्राओं को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। किस तरीके से कौन कौन से मंत्री ने अपने प्रभार वाले जिले या अपनी विधानसभा में कितने दिन विकास यात्रा निकाली है, क्योंकि विकास यात्रा को लेकर माना जा रहा है कि एक मेगा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। किस तरीके से जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जो केंद्र सरकार की योजना है, वो जनता तक कितनी पहुँची है, जमीनी हकीकत क्या है, जमीन पर कितने स्तर तक वो उतरी हैं, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण है कि विकास यात्रा में मुख्यमंत्री खुद लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, विकास यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसकी समीक्षा भी की जाएगी। इसके अलावा बात करें तो खास तौर से संगठन में किस तरीके कामकाज चल रहा है उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है राजनीति में क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले ही निर्देश दिए थे कि तमाम जो मंत्री हैं वो आज सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक यानी 12 घंटे तक भोपाल में ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात भी बड़े संकेत करती है कि आज मुख्यमंत्री पौधारोपण करेंगे, उसके बाद दिन भर समीक्षा बैठकों का दौर शुरू होगा। बीच में मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा जाएंगे जहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे सौसर में, उसके बाद फिर आकर दिन भर बैठकें चलेंगी। शाम को कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। तो बाकी एक मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा दिन है, तमाम मंत्रिमंडल के साथी भोपाल पहुंच चुके हैं और देखने ये होगा कि दिन भर समीक्षा बैठक होगी उसके बाद क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका सूरज इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।